स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बेटा एल्डिहाइड का फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्या होता है उसके लिए देखेंगे। फेलिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास, आपको पता है कि फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी दो होते हैं। दिस इज द बेसिकली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड दिस इज द बेसिकली सोडियम पोटेशियम टार्टरेट सॉल्यूशन। तो पहले हम इन दोनों को इक्विमोलर वॉल्यूम लेकर के इनका सॉल्यूशन बनाएंगे और वहां पे फेलिंग सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमने टेस्ट में क्या किया, सबसे पहले यहां पे फेलिंग सॉल्यूशन से पहले बेटा हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें फेलिंग सॉल्यूशन बी ले लिया जो कि पोटेशियम सोडियम टार्टरेट सॉल्यूशन होता है। अब इसमें हम मिलाएंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इक्विमोलर वॉल्यूम होना चाहिए जो कि फेलिंग सॉल्यूशन ए है। फाइनली दोनों को मिक्स करने के बाद इस तरह का ये जो सॉल्यूशन जो फॉर्म होता है इसे हम कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। तो फेलिंग सॉल्यूशन बेटा हमारा तैयार हो गया। अब इस फेलिंग सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, एक एल्डिहाइडिक सैंपल डालेंगे और एल्डिहाइडिक सैंपल डालने के बाद इसका वाटर बाथ करेंगे। वाटर बाथ करने के बाद देखते हैं क्या होता है। ये हमारे पास एक एल्डिहाइडिक सैंपल है, इसका एल्डिहाइडिक सैंपल हम इसमें डालेंगे। एडियाटिक सैंपल के तौर पर हमने ग्लूकोज लिया था, फेलिंग सॉल्यूशन में हम इसमें डालेंगे। तो हमने फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर क्या डाल दिया बच्चों, एडियाटिक सैंपल डाल दिया। डालने के बाद अब इसका क्या करेंगे, वाटर बाथ करेंगे। वाटर बाथ देखने के क्या होता है। यहाँ बेटा हमारे पास एक बीकर में वाइल्ड वाटर है। वाइल्ड वाटर में हम क्या करेंगे, एडियाटिक सैंपल और उसमें हमने क्या किया, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया था और इसे वाटर बाथ होने के रख देते हैं। देखते हैं किस तरह का फॉर्मेशन कलरेशन चेंज होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि बच्चों जो हमारे पास ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था धीमे धीमे वो ऑरेंज शेप में चेंज होते जा रहा है, कलर चेंज कर रहा है। यानी कि आपको रेड कलरेशन जो कि क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी होता है, रेड कलरेशन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है और आप फाइनली देखोगे यहाँ पे आपको रेड कलर का फॉर्मेशन हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बेटा लाइक फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कहते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में आपने पढ़ा है कि वहाँ पे आपको रेड पीपीटी फॉर्म होती है।